आठ आठ वाला, दस हाथ वाला, बीस हाथ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? देखा भाई, नहीं नहीं, जब चार हाथ वाला बच्चा आप अस्पताल में जाते हैं, अगर किसी बच्चे को, किसी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है, तो पैदा होने के पहले या पैदा होते होते मर जाता है। किसी बच्चे के अंदर कभी छठवीं यमुनी निकल आती है, तो उसको लोग अपशगुन मानते हैं, कहते हैं छंगुआ पैदा हो गया। और किसी के इस बनावट के अलावा कोई अंग बढ़ जाता है, तो वो पेट में मर जाता है या पैदा होते होते मर जाता है। कभी भी चार हाथ वाला, आठ हाथ वाला, दस हाथ वाला, बीस हाथ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब चार हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली देवी कहां से आ गई? आठ हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? बीस हाथ वाला रावण कहां से आ गया? हजार हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? इसका मतलब है, अगर हजार हाथ वाले सहस्त्रबाहु का जिक्र होता है, बीस हाथ वाले रावण की जिक्र होती है, आठ हाथ वाले भगवान की बात होती है, आठ हाथ वाला, दस हाथ वाला, बीस हाथ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? देखा भाई, नहीं नहीं, जब चार हाथ वाला बच्चा आप अस्पताल में जाते हैं, अगर किसी बच्चे को, किसी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है, तो पैदा होने के पहले या पैदा होते होते मर जाता है। किसी बच्चे के अंदर कभी छठवीं यमुनी निकल आती है, तो उसको लोग अपशगुन मानते हैं, कहते हैं छंगुआ पैदा हो गया। और किसी के इस बनावट के अलावा कोई अंग बढ़ जाता है, तो वो पेट में मर जाता है या पैदा होते होते मर जाता है। कभी भी चार हाथ वाला, आठ हाथ वाला, दस हाथ वाला, बीस हाथ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब चार हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली देवी कहां से आ गई? आठ हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? बीस हाथ वाला रावण कहां से आ गया? हजार हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? इसका मतलब है, अगर हजार हाथ वाले सहस्त्रबाहु का जिक्र होता है, बीस हाथ वाले रावण की जिक्र होती है, आठ हाथ वाले भगवान की बात होती है।